20 रुपए में रेलर बेच रहे हैं। अमृतसर जंक्शन से मैंने चाय लिया है, काफी अच्छी चाय है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं 9084 माइल। तो आज की जर्नी होने वाली है 18101 से टाटा नगर जम्मू तवी एक्सप्रेस से। जम्मू तवी एक्सप्रेस वीक में 3 दिन चलती है, रविवार बुधवार और शुक्रवार को। टाटा नगर से 17:05 खुलती है और तीसरे दिन 14:25 पे जम्मू तवी पहुंचा देती है। इस गाड़ी का वर्तमान ऑपरेटर साउथ ईस्टर्न रेलवे है। इस गाड़ी में पेंटी कार की सुविधा उपलब्ध है, तो आपको खाना पीना सर्व किया जाएगा। और इस गाड़ी में मैं सफर कर रहा हूं 3rd AC में। हमारा कोच नंबर है B1। हमारी गाड़ी 2069 किलोमीटर का सफर 46 किलोमीटर की रफ्तार से 45 घंटे 5 मिनट में पूरा करेगी। हमारी गाड़ी 2069 किलोमीटर का सफर 54 हॉल्ट के साथ पूरा करेगी। तो चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और दिखाते हैं आपको इस गाड़ी का डिपार्चर। अभी मैं हूँ मुरी रेलवे स्टेशन में। रांची से मैं 40 रुपए का टिकट लेके मुरी रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ। यहीं पे 18:50 में हमारी टाटा नगर जम्मू तवी एक्सप्रेस आने वाली है। गाड़ी हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है। गाड़ी हमारी प्लेटफॉर्म पे आधा घंटा डिले आ रही है और यह है इसका लोकोमोटिव W87। टाटा नगर जम्मू तवी एक्सप्रेस 18:01। गाड़ी हमारी प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है, तो चले चलते हैं हम लोग अपने कोच में। हमारा कोच नंबर है B1। गाड़ी हमारी मुरी रेलवे स्टेशन से खुल चुकी है। किलोमीटर का सफर तय करके हमारी गाड़ी अपना 5वां हॉल्ट बड़का खाना पहुंच चुकी है। बड़का खाना का कोड है BRK और यहां पे गाड़ी 10 मिनट के रुकेगी फिर खुल जाएगी। बात करते हैं इस गाड़ी के वॉशरूम की। सामने आईना दिया गया है, क्लीन है। वाटर डिस्पेंसर भी क्लीन है। हैंड वॉश दिया गया है, टावल रखने के लिए हैंडल दिया गया है, शो करने के लिए स्टैंड दिया गया है। ब्लोअर काम नहीं कर रहा है, लाइट चल रहा है और दरवाजे पे दो होल्डर दिया गया है। तो मिला जुला के ये वॉशरूम क्लीन है। इस वॉशरूम को मैं 4 स्टार देता हूँ, नीट एंड क्लीन है। बात करें इस गाड़ी के कोचेस एंड किराए की, तो इस गाड़ी में AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर, जनरल क्लास और पेंट्री कार की बोगियां लगी हुई हैं और किराया आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किलोमीटर का सफर तय करके हमारी गाड़ी अपना 20वां हॉल्ट चुनार जंक्शन पहुंच चुकी है। चुनार जंक्शन का कोड है CAR और यहां पे गाड़ी 5 मिनट रुकेगी फिर खुल जाएगी और यहां पे गाड़ी 40 मिनट डिले पहुंची है। हमारी गाड़ी 746 किलोमीटर का सफर तय करके प्रयागराज जंक्शन पहुंच चुकी है। प्रयागराज जंक्शन का कोड है PRYG और यहां पे गाड़ी 5 मिनट रुकेगी फिर खुल जाएगी। 941 किलोमीटर का सफर तय करके हमारी गाड़ी अपना 26वां हॉल्ट कानपुर सेंट्रल पहुंच चुकी है। कानपुर सेंट्रल का कोड है CNB और यहां पे गाड़ी 10 मिनट रुकेगी फिर खुल जाएगी। 1375 किलोमीटर का सफर तय करके हमारी गाड़ी अपना 33वां हॉल्ट पुरानी दिल्ली पहुंच चुकी है। पुरानी दिल्ली का कोड है DLI और यहां पे गाड़ी 15 मिनट रुकेगी फिर खुल जाएगी।
1865 किलोमीटर का सफर तय करके हमारी गाड़ी अपना 48वां हॉल्ट अमृतसर जंक्शन पहुंच चुकी है। अमृतसर जंक्शन का कोड है ASR और यहाँ पे गाड़ी 25 मिनट रुकेगी फिर खुल जाएगी। और अभी वक्त हो रहा है 9:15। हमारी गाड़ी अपने टाइम से अमृतसर जंक्शन 56 मिनट डिले पहुँची है। यहाँ पे इसका 25 मिनट का स्टॉपेज है, तो देखते हैं ये कब यहाँ से पहुँची है। अमृतसर जंक्शन से मैंने चाय लिया है, काफ़ी अच्छी चाय है, इलायची वाली है। तब प्राइस मुझे देना पड़ेगा 15 रुपया। बात करें हमारी गाड़ी की खाने की, तो पेंटिकर का जो खाना है वो आपको वेज थाली मिल रहा है 150 रुपये में और नॉन वेज थाली मिल रहा है 180 रुपये में। मैंने पूछा कि बिल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उन्होंने बिल के लिए मना किया है, लेकिन मैंने इस बार खाना नहीं खाया क्योंकि मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। तो इस बार मैंने पेंटिकर खाना खाया नहीं है क्योंकि मैं घर से खाना लेकर आया था। तो अगर आपको खाना खाना हो तो मैंने आपको जानकारी दे दी। खाना ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं है बट ठीक ठाक है, खाने लायक है। आइए आपको दिखाते हैं पंजाब के खूबसूरत खेत। इस गाड़ी की साफ सफाई से, तो इस गाड़ी में अभी तक मैं मूरी जंक्शन से चढ़ा था और अभी जम्मू आने वाला हूँ, तो साफ सफाई का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। सफर कर सकते हैं, गाड़ी काफ़ी अच्छी है, साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। बात करें इस कोच के इंटीरियर की, तो सामने आईना दिया गया है, 2 बोतल होल्डर दिए गए हैं, 2 चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं, सीट काफ़ी अच्छी है, बेडिंग जो दी गई थी काफ़ी साफ सुथरी और क्लीन दी गई थी, एक टेबल दिया गया है और साइड अपर साइड लोअर में 2 बोतल होल्डर दिया गया था और चार्जिंग पॉइंट दिया गया था और सीट काफ़ी चौड़ी है। मिला जुला के कोच काफ़ी अच्छा है, साफ सुथरा है। 2072 किलोमीटर का सफर तय करके हमारी गाड़ी जम्मू तभी पहुंच चुकी है, क्योंकि ये गाड़ी जम्मू तभी तक ही चलती है। तो इससे आगे हमें कटरा जाना है, कटरा जाने के लिए मुझे बस लेनी पड़ेगी या मैं पता करता हूँ कि अभी ट्रेन है कि नहीं, क्योंकि हमारी गाड़ी तो टाइम से आ चुकी है। तो 14:25 पे गाड़ी रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुकी है। तो चलिए अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं। जम्मू में पहुंच चुका हूं और कटरा में कैसे जाता हूं, रेल से जाता हूं या बस से जाता हूं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, मैं आपको बताता रहूंगा। जम्मू से मैं माता वैष्णो देवी ट्रेन से जा रहा हूं और भीड़ आप देखिए, ये सभी कटरा जाने वाले हैं, काफ़ी भीड़ है। जम्मू से लास्ट ट्रेन है कटरा के लिए स्वराज एक्सप्रेस, तो इसी में सारे यात्री जाने वाले हैं। और जम्मू से कटरा तक का जो किराया है वो है 60 रुपया।